साल 2021 अब खत्म होने को है। इस साल ने हमारे कई पसंदीदा बॉलीवुड पर्सनालिटीज को हमसे छीन लिया। इन बॉलीवुड एक्टर्स ने हमें हंसाया, रुलाया, रिझाया और खूब एंटरटेन किया। जिन प्रमुख एक्टर्स ने 2021 में अपनी जान गंवाई, उसमें से नंबर एक है सिद्धार्थ शुक्ला। ये बालिका वधु टीवी सीरियल से ख्याति प्राप्त करने वाले और बाद में बिग बॉस 13 के विनर, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही प्रचलित एक्टर, साल 2021 में हमको अलविदा कहकर चले गए। एक हार्ट अटैक ने इनकी जिंदगी इनसे छीन ली। 2 सितंबर 2021 को इनकी मौत के समय इनका परिवार इनके साथ नहीं था और जब तक इनका परिवार हॉस्पिटल पहुंचा, इनकी डेथ हो चुकी थी। इनका रिलेशनशिप एक्ट्रेस शहनाज गिल के साथ भी बहुत चर्चा में था। दूसरे नंबर पे मैं नाम लेना चाहूँगा लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार साहब का। दिलीप साहब ने 65 बॉलीवुड फिल्म्स में काम किया और हम सबका दिल जीत लिया। दिलीप साहब ने डेब्यू किया था ज्वार भाटा नाम की फिल्म में 1944 में, और उसके बाद उन्होंने एक से एक हिट फिल्म की छड़ी लगा दी, जैसे कि अंदाज जो कि 1949 में आई, आन जो कि 1952 में आई, एपिक फिल्म देवदास जो कि 1955 में आई, उसमें दिलीप साहब का काम बहुत ही ज़्यादा सराहा गया। 1955 की ही फिल्म आज़ाद में एक कॉमिकल रोल मिला दिलीप साहब को, जो कि उन्होंने बखूबी निभाया। फिर 1960 में उनकी फिल्म आई मुगले आजम, उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन 7 जुलाई 2021 को दिलीप साहब हम सबको अलविदा कह के चले गए। उनकी उम्र उस वक्त 98 थी। तीसरे नंबर पे मैं नाम लेना चाहूँगा एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी का। सुरेखा जी ने नेशनल फिल्म अवार्ड जीता 3 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए। ये 3 फिल्म थी तमस जो कि 1988 में आई थी, मम्मो जो कि 1995 में आई थी, और फिर बधाई हो जो कि 2018 में आई थी। इन्होंने बालिका वधु टीवी सीरियल में भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग की। एक मैसिव कार्डियक अरेस्ट ने इनकी जान ले ली 75 की एज में इसी साल 2021 में। नंबर 4 पे मैं नाम लेना चाहूँगा विक्रमजीत करणवाल का। विक्रमजीत ने अपना एक्टिंग डेब्यू किया 2003 में इंडियन आर्मी से रिटायर होने के बाद। इन्होंने कई फिल्म्स की जैसे पेज 3, रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर, आरक्षण, मर्डर 2, द गाजी अटैक, 2 स्टेट्स। लेकिन 2 मई 2021 को कोविड की वजह से इन्होंने अपनी जान गंवा दी। नंबर 5 पे मैं राजीव कपूर जी का नाम लेना चाहूँगा। साल 2020 ने ऋषि कपूर जी को हमसे छीन लिया था और 2021 ने उनके छोटे भाई राजीव कपूर जी को हमसे छीन लिया। उनकी मौत 9 फरवरी 2021 को हुई कार्डियक अरेस्ट की वजह से।